भोला नाम का एक आदमी रहता था, भोला का नाम जैसा, वैसा ही उसका स्वभाव था। भोला की पत्नी शादी होते ही खत्म हो गई थी। भोला का गांव में कोई नहीं था, वहां अकेला ही रहता था और वो एक मुनीम जी के वहां पर काम करता था। अरे आज तो खाना पकाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई, अब मुझे जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लानी होगी। जैसे ही भोला जंगल के भीतर जाता है, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, इतने घने जंगल में ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, चल के देखता हूँ। भोला थोड़ी ही देर चल के देखता है, वहाँ एक लड़की एक पेड़ के नीचे रो रही थी। अरे बाप रे, ये बच्ची को इतने घने जंगल में कौन छोड़ गया, कोई है, कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? भोला जोर जोर से आवाज लगाने लगा, पर कोई भी नहीं आया। मुझे लगता है कि कोई इस बच्ची को इस जंगल में पटक गया है, वो इसे नहीं पालना चाहता है। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुझे मैं पालूंगा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तुझे मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगा। फिर क्या, भोला उस बच्ची को अपने घर ले आता है। मेरी प्यारी बिटिया रानी, कितनी प्यारी है, ऊपर वाले ने तुझे केवल मेरे लिए भेजा है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। भोला उस बच्ची को अपनी बेटी से भी अधिक प्यार करता है और भोला उसे बच्ची का नाम रानी रख देता है। भोला अपनी प्यारी बेटी रानी के साथ खूब खुश था। रानी बेटिया खूब बड़ी हो गई थी और वहाँ घर का सारा काम संभालने लगी थी। मुनीम जी, आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे भोला राम, तुम्हें पैसों की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? मुनीम जी, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं मेरी रानी बिटिया को हर जन्मदिन पर कुछ ना कुछ उपहार देता हूँ। अच्छा, तो आज तुम्हारी रानी बिटिया का जन्मदिन है? जी मुनीम जी, ठीक है देता हूँ। वैसे भोला राम, तुम्हारी बिटिया अब तक तो खूब बड़ी हो गई है, तो उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अभी तक तो नहीं सोचा, पर अच्छा लड़का देखते ही रानी बेटी की शादी कर दूंगा। अरे मेरी नज़र में एक रानी बिटिया के लायक एक बढ़िया सा घर परिवार है। कौन है मुनीम जी? मेरा एक बचपन का मित्र है, अपने पड़ोसी गांव में ही, उसके पास 50 एकड़ जमीन है और वो गांव का सरपंच है और उसका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। बहुत ही बढ़िया रिश्ता है, पर वो लोग दहेज में 51,000 रुपए मांग रहे हैं। बाप रे, 51,000 रुपए, इतनी बड़ी रकम? हाँ, दहेज रकम तो बहुत ज्यादा है, पर घर परिवार बढ़िया है। रानी बिटिया उस घर परिवार में राज करेगी राज। ठीक है मुनीम जी, मैं थोड़ा सोच समझ कर बताता हूँ, अब मैं चलता हूँ। भोला अपनी रानी बेटी के लिए एक उपहार लाता है। पिताजी, आज मेरे जन्मदिन पर आप इतने देर से आए हो? हाँ, मैं थोड़ा बाजार में लेट हो गया। पिताजी, इस बार मेरे जन्मदिन पर मुझे आप क्या भेंट करने वाले हो? तुम्हारे लिए मैं ये उपहार लाया हूँ। बोला अपनी बेटी के लिए कान के झुमके लाया होता है, कितने सुंदर हैं। पिताजी, आप कितने अच्छे हो जो मेरे हर जन्मदिन पर इतने अच्छे उपहार देते हो। बिटिया रानी, तुझसे मुझे एक बात करनी है। बोलिए पिताजी, आपको मुझसे क्या बात करनी है? रानी बिटिया,
तुम कैसे घर परिवार में शादी करना चाहती हो? पिताजी, मुझे ऐसे घर में शादी करनी है जिसके पास खूब सारी जमीन हो, मतलब अच्छा पैसे वाला घर परिवार होना चाहिए। फिर भोला अपनी रानी बेटी को मुनीम जी की सारी बात बता देता है। मालिक, मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ, कोई खरीदता है तो मुझे बताना। क्या हुआ भोला राम, तुम्हें कौन सी परेशानी आन पड़ी जो तुम अपनी जमीन बेचने को तैयार हो गए? मुनीम जी, जो कल आपने रिश्ता बताया था वो मेरी रानी बेटी को पसंद आया तो मुझे दहेज के लिए 51,000 रुपया चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया रिश्ता है, मैं इसे गंवाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी जमीन बेचकर रानी बिटिया की शादी कर दूंगा। भोला, जमीन खरीदने वाले तो खूब हैं, पर तुम उस जमीन को बेच दोगे तो फिर तुम अपने बुढ़ापे में क्या करोगे? कुछ तो सोचो, कुछ सोचा है? मेरा क्या है मालिक, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी एक लौटी बेटी है रानी, मैं तो केवल 10-15 साल का और मेहमान हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी को एक अच्छा घर परिवार मिल जाए। भोला, तुम अपनी बेटी से कितना प्यार करते हो, ठीक है तुम्हारी मर्जी, अच्छा दाम आए तो ठीक है, अगर कोई नहीं आया तो मैं ही खरीद लूंगा। जब तक तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, अब कल ही ज्ञानी जी को भेजकर वो रिश्ता पक्का करता हूँ। बोला अपनी जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करवा देता है। फिर कुछ दिनों के बाद रानी अपने ससुराल में खूब खुश थी, पर रानी की सास हेमलता उससे खूब काम करवा रही थी। और भोला राम, तुम्हारी बेटी से तुम्हारी बात हुई? मालिक, अभी तो नहीं हुई, पर मैं आज उससे मिलने उसके घर जाऊंगा। अच्छा, तो तुम आज तुम्हारी बेटी से मिलने जाओगे? ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लगे हाथ मैं भी अपने बचपन के मित्र से मिलूंगा। भोला और मुनीम जी रानी से मिलने के लिए रानी के ससुराल निकल जाते हैं। इस लड़की से तो जरा भी सही से काम होता ही नहीं है, मेरे बेटे के तो भाग्य ही खराब है जो यह गवार लड़की से शादी हो गई। फिर वहाँ पर रानी का पति भी आ जाता है। क्या हुआ माँ, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मुझसे क्या पूछता है, अपनी गवार पत्नी से ही पूछ। तुमने ऐसा क्या किया जो माँ इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो काम मम्मी जी ने बताया वह मैंने सारा कर दिया। मम्मी तो मुझे वे बजा ही चिल्ला रही है और मुझसे कह रही थी कि मेरे बेटे का भाग्य कैसा है जो इस लड़की से शादी हो गई। क्या गलत कह रही है माँ? माँ ठीक ही तो कह रही है, मैंने तो सोचा पिताजी के मित्र कोई बड़े घर में मेरा रिश्ता करवाएंगे, यहाँ तो एक झोपड़ी वाली से रिश्ता हो गया। जब मैं गरीब थी तो तुम मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मेरी माँ से मुँह चलाती है, रुक। जी जी जी, मुझे क्या पता था कि तुम लोग इतने नीच होंगे, मैं तो सोचा कि किसी गरीब की बेटी आएगी तो सुख पाएगी, पर यहाँ का तो राग ही अलग है। मैंने मेरी बेटी कितने प्यार से पाली थी, इसकी शादी के लिए मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी। चिंता मत करो भोला, यह रिश्ता तुम्हें मैंने ही बताया था, तुम्हारी जमीन मैंने खरीदी थी, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन लौटा दूंगा। नहीं मुनीम जी, तुम्हारी इसमें क्या गलती है, चल तू अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकेगी, चल मेरे साथ।